देखिए आदेश कंप्लीट हो चुका है, जो आदेश लिखवाया गया है मैं उसके मेन पॉइंट्स आपको बता दूं मीनाक्षी, कि लोगों को निर्माण हटाने का खुद मौका दिया जाए, सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को यह आदेश भेजा जाए, डीएम एक महीने में नोडल अधिकारी की नियुक्ति करे जो इन मामले की निगरानी करेगा, अधिकारियों को बताया जाए कि अगर इन आदेशों की अवहेलना की गई या वो करेंगे तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से इसका भुगतान करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है। डेमोलिशन की कार्रवाई की वीडियोग्राफी हो, वहां मौजूद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के नाम दर्ज किए जाए, यानी कि जो पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं उनके नाम भी दर्ज किए जाए, ताकि अगर कुछ भी ऐसा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा मीनाक्षी कि नोटिस के 15 दिन के भीतर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए, तोड़फोड़ की रिपोर्ट डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित की जानी चाहिए, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को 3 महीने के भीतर एक डिजिटल पोर्टल आवंटित करना होगा जिसमें नोटिस का विवरण होगा। डीएम आज से 1 महीने के भीतर संरचनाओं के विध्वंस से, यानी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके जो डेमोलिशन हो रहा है उनसे निपटने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। पिछली तारीख से किसी भी तरह के आरोपों के आधार पर डेमोलिशन रोकने के लिए कलेक्टर द्वारा कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रात में महिलाओं और बच्चों को सड़क पर देखना सुखद दृश्य नहीं है, ये निर्देश उन जगह पर लागू नहीं होंगे जहां सार्वजनिक भूमि पर कोई अनधिकृत निर्माण है, साथ ही जहां पर न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर किसी तरीके का अगर एनक्रोचमेंट किया गया है तो उसके ऊपर ये जो नियम है वो लागू नहीं होंगे, ये आदेश लागू नहीं होंगे, और जहां पर कोर्ट ने डेमोलिशन की कार्रवाई के आदेश दिए हैं वहां का आदेश है वो उसके ऊपर लागू नहीं होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ नहीं होगी, जिसका जवाब स्थानीय नगर पालिका कानूनों में दिए गए समय के अनुसार या नोटिस की तारीख से 15 दिनों के भीतर जो भी बाद में हो दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन के अंदर यह कहा है मीनाक्षी कि आदेश पारित होने के बाद भी पीड़ित पक्ष को उस आदेश को चुनौती देने के लिए समय दिया जाना चाहिए, घर खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी, लोगों को पक्ष सुनने के लिए विस्तृत आदेश जारी हो, यह बताया जाए कि क्या नियमित करना संभव है, कुछ हिस्सा तोड़ना है या फिर पूरा तोड़ना है, यह कारण सहित दर्ज हो, नोटिस में यह बताया जाए कि क्या अवैध है, किन कागजों की जरूरत है, 3 महीने में एक पोर्टल बनाकर सभी नोटिस की जानकारी उसमें डाली जाए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नोटिस रजिस्टर डाक से भेजा जाए, मकान पर भी चिपकाया जाए, नोटिस की जानकारी डीएम को भी दी जाए। तो जिस तरीके से बुलडोजर जस्टिस की जो कार्रवाई हो रही थी देश के कई हिस्सों में, और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया मीनाक्षी, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी किए हैं, यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए, बिना अपील के रात भर ध्वस्तीकरण के बाद महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर देखा नहीं जा सकता, बिना कारण बताओ नोटिस को ध्वस्तीकरण नहीं होगा, मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और संरचना के बाहर चिपकाया जाएगा। तो वही आदेश जिस तरीके का है, और साथ में इस मामले के सभी मुख्य सचिवों को निर्देश दिए जाने चाहिए, यानी कि जितने भी जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको ये निर्देश भेजे गए हैं।